ठीक है, एको अबे भागो, मुझे भागना होगा और घर के अंदर छुपना होगा। अबे ये गेम तो सीधा उस पर आ गई है, एक्शन पे, कोई लेने देना नहीं। पीछे आ रहा, वो पीछे आ रहा, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं देखूंगा नहीं, मैं मरना नहीं चाहता भाई। रियलिटी में देखता कोई नहीं ना, मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा था पत्थर उठा ले, छुप जा, ये छुप जा। What's up guys? It's Simon. Welcome back to the channel. दोस्तों स्वागत है आपका दो भूतिया गेमों में। गाइस आज हम दो, एक पे एक फ्री, दो गेमें खेलने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन हम दो गेम खेलने वाले हैं। और जो पहली गेम है वो है द सीक्रेट रूम। तो कोई रूम है, या तो उस रूम के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट हैं, या फिर रूम ही सीक्रेट है, किसी को उस रूम के बारे में पता नहीं है। तो गाइस, तो विदाउट फर्दर अडू, सीक्रेट रूम गाइस प्ले। सर्चिंग फॉर टू मिसिंग पीपल, दो लोगों की तलाश जारी है। स्पेशल साइंस क्या है? एक बड़ा आदमी, लंबा आदमी है, और एक एक्स 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 है, एक छोटी औरत है, मतलब हाइट में, लेकिन एक्स एक्स और एक्स एक्स के साथ में है। वो दोनों इकट्ठे गए एक वॉक के लिए 2004 में एक्स एक्स तारीख को, लेकिन वापस नहीं आए घर। पुलिस को लगता है कि जो मर्डर है वो उनका खुद का बेटा है, लेकिन कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस जो है वो एक्स 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 और एक्स एक्स के पास जाएगी। मतलब बेटे ने अपने माँ बाप को मार दिया, उसने सीक्रेट रूम में मारा होगा मुझे लगता है। मुझे खाना है और सोना है। ओके, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पुलिस वाला है या ये वो बेटा है जो विलन है, और जो शायद विलन नहीं क्योंकि उसने नहीं मारा, और क्योंकि हो जाता उसने मारा हो लेकिन उसे कोई दिक्कत हो इसलिए मारा हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। लेकिन अब जो ये है, ये पुलिस वाला है जो तलाश सर्च कर रहा है, या फिर ये बेटा है। ओके, पहले खाना खाना है, देखते खाना किधर है। अरे भाई बहुत तेज भाग रहा है यार। अरे भैया क्या कैसा घर है? ओ ये है किचन। ओके, और ये क्या है? ओ इतना बड़ा कबाड़ नहीं खुल रहा। ओके, अब मुझे करना क्या? सबसे पहले मुझे खाना खाना है। खाना कहाँ से मिलेगा? ओ ये क्या, एक मरा हुआ पिज्जा, वो भी चिपका हुआ फ्लैट। क्या ये क्या, अबे मर जाएगा खा के ये। एक पिज्जा का स्लाइस है, वो भी मरा हुआ, तीन टमाटर डले हुए उसके ऊपर। क्या जिंदगी होगी खा, यहाँ खाऊँ? बैठने का आ रहा है, कैसे रखूँ? गाय दे, रख नहीं रहा। पहले रख, ये बैठ के भी रख सकता था, ऐसी बात तो नहीं है। अब खाते हैं एक पिज्जा स्लाइस, इसका पेट भर जाएगा अभी रात को, अभी सिर्फ तीन टमाटर है। अब सोना है, अब मैं सो जाता हूं। मैं सो गया। ओ कौन है यहाँ पे? लगता है वो विलन घुसाया है ताकि वो पुलिस वाले को मार दे और सर्च ना हो पाए। मुझे देखना पड़ेगा कौन, किसने पत्थर मारा है, क्योंकि उसके इसके सबूत होंगे ना। कौन पत्थर मार रहा है? अरे गेट नहीं खोलना भाई। अबे कहाँ मारा पत्थर? बाथरूम में पत्थर? नहीं बाथरूम में नहीं मारा, फ्रिज नहीं खोलूंगा मैं अभी। ये क्या हो गया, यहाँ खून कैसे आ गया? मुझे धोना होगा, क्या धोना होगा? चक्कू भी है यहाँ, तो खून धोना है, चक्कू धोना है। यहाँ पर बंदा था ना अभी जब मैं आया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और एकदम से बंदा आ गया, मैं डर गया। और फिर यहाँ खून कैसे आ गया? और किसी ने यहाँ पे किसी को मार तो नहीं दिया? ये वो विलन बच्चा तो नहीं आया हुआ? मैं चुप हो जाता हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आज, ऐसा ना लफड़ा हो जाए। बाथरूम में धूम, सिंक किधर है? सिंक बाथरूम में सिंक ही नहीं है। अच्छा ये तो रहा वॉश। अबे तो वो जो इतनी बड़ी वो चिपकी हुई है जमीन पे, वो उसे तो साफ कर, वो भी तो साफ करना जरूरी है। गाइस मुझे लग रहा है कि हम जो है ना वो बेटे ही हैं जिसने अपने माँ को मारा, और इसने किसी ने पोजेस कर रखा है, वही आत्मा आ रही है भाई। ये तो साफ कर, तो अगर पुलिस आ गई तो, और अगर मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं फंस जाऊंगा। अब क्या करूँ? गो टू ईट, खाने पे जाओ। अबे क्या पक रहा है, फिर से खाना है? अभी तो खा, क्या हो रहा है गेम में? अभी इसने खाया, सो गया, अब उठ के से चक्कू धोया, फिर खाएगा। गो टू ईट,
क्या हो गया जिंदगी में गाय। लास्ट में एक प्लेट थी, उसमें एक ही पिज्जे का स्लाइस था, ये दूसरा पिज्जे का स्लाइस किसने रखा? आत्मा ने। ओ इसके थ्रू प्रोसेस कर रहा लग रहा है मुझे वो, चाकू फ्रिज में रह गया। गाइस क्या हो रहा है इस कहानी समझ नहीं आ रही। उठो तो पिज्जा खाने का, खा लिया, अब क्या करूं? फिर सो जाओ, चाकू लेकर सोऊंगा भाई इस बार। अगर किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मार डालूंगा, लेकिन अगर पुलिस आ गई और उन्हें लगा कि मैंने मारा तो ये सबूत मेरे हाथ में ही है। हेल्प हेल्प, सीक्रेट रूम। तुमने ही। अबे भैया मैं बेटा ही हूं, भागो भागो। फायर, क्या हो क्या रहा है भाई? सपना था ये तो, भले सपना था। मुझे पानी पीने की जरूरत है ताकि, अबे क्या है तेरा हिसाब समझ नहीं आ रहा मुझे। इसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे गाइस। पानी पीना, पानी का मिल, हाँ यहीं मिलेगा पानी। अब ये कौन टैप वाटर पिएगा या ये वाला पानी तो नहीं पी रहा। बोतल किधर है? ओ पी रहा। क्या ये चक्कू यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो धोया था, मेरा फेवरेट चक्कू। मुझे इसे छुपाना पड़ेगा उनके आने से पहले, इसको और बॉडीज को भी। चाकू तो उठा ले लेकिन पहले। अरे खून कहाँ गया? बॉडीज को छुपाना पड़ेगा। किसकी बॉडीज को भैया? कोई आत्मा का चक्कर है गाइस, यहाँ पे पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है भाई। अबे मतलब मैं नहीं मारा है, अपने माँ बाप को मैं नहीं मारा है, बेटा ही है भाई वो। इसे कहाँ छुपाऊँ लेकिन मैं, कबाड़ में। अबे अबे जल्दी, अरे पुलिस आ रही है भाई इसके अंदर। अबे पूरे मोहल्ले में एक तो फर्नीचर है, मोहल्ला कह रहा हूँ, पूरे घर में एक डब्बा है, वो पुलिस भैया के देखेगी, बेवकूफी है कुछ जगह छुपाने की, थोड़ा चोमू है किलर। इससे तो मैं ही था। अब पुलिस वो गेट खटखटा, जल्दी उठा लेते। और वो चक्कू उठाना, वो चक्कू भी तो उठा। बहुत ठोक रहा है वो गेट, तोड़ देगा क्या? क्योंकि आ नहीं रहा, बहुत रात हो रही है। क्या मतलब है इसका? अबे भाग, पुलिस गेट ठोक रही है, तू कह रहा सोना है, अबे भाग यहां से चक्कू लेके। अबे क्या आदमी है ये, हिला हुआ भाई पूरी तरह से भाई। ये भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये भाई, भाई ये ना, ओ ये सटका हुआ भाई, ये पोजेस्ड है। कहाँ है सोने का बेड? कहाँ चला गया? बेड ही नहीं दिख रहा मेरे को तो। गाइस बेड कहाँ है? टाइम टू स्लीप। पुलिस आई हुई है, इतने मारा ये अपने को। अबे आत्महत्या, ये अपने को टपका लेगा भाई क्योंकि क्रिमिनल है। पापा मम्मी अलविदा। ओ अब ये पोदेस था या नहीं था, या इसे गिल्टी फील हो रही थी इस वजह से ये सब दिख रहा था कि कोई बंदा है, या ये पोदेस था, कुछ ना कुछ तो बात थी भाई। इसने क्यों मारा? पुलिस की रिपोर्ट आ गई गाइस, पढ़ लेता हूँ मैं। दो लोग मरे हुए पाए गए बेटे के घर में, उसके क्लोजेट में, उसने उन्हें चाकू से मारा था जो कि मिल गया। मैंने कहा था साफ कर ले। बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट रूम था जिसके अंदर खून से लिखा हुआ था, वो सनक सनक चुका था ये, और वहीं पे वो रखता था वो अपने विक्टिम्स को। देखा ये पदेस था भाई, मेनियक था ये, तभी से बार बार सपने आ रहे थे। और मतलब समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग समझो, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। द सीक्रेट रूम, पूरे गेम में बजा म्यूजिक। ओह शिट गाइस, दूसरी हॉरर गेम। इस गेम का नाम है हॉकी मास्क नाइटमेयर। मतलब शायद हम हॉकी खेल रहे थे और वहां कोई मास्क था जो हमने पहन लिया और हमें सपने आए डरावने, या फिर मतलब बहुत सारे, मतलब मैं बोलने बैठूंगा फिर चुप नहीं होऊंगा, लेकिन हम खेल रहे हैं हॉकी मास्क नाइटमेयर। मूवमेंट WASD, बस में इतने कंट्रोल और शिफ्ट से भागता है जो कि मुझे चाहिए। मैं सही था ना, किसी ने किसी को पेल दिया भाई। ओ लगता हम हम कैंपिंग करने आए हुए हैं रात को, और उसने किसी को मार दिया है। कौन चिल्लाया? मैं देख के आता हूँ। देखा
मतलब कि कोई हॉकी मास्क पहन के सबको मार रहा है, उसका सपना भी सपना है या रियलिटी है पता नहीं, लेकिन हाँ किसने किसे मार दिया, सब कहाँ चले गए, कितने लोग थे? ओ भाई जब वो आवाज आए ना, पहली बात तो भाई कैंप पे जाओ मत, खासकर रात को भी जंगल में कैंपिंग करनी, पार्क वार्क में कर लो भाई, या ऐसी जगह करो जहाँ बहुत सारे लोग हों, तो अगर एक भी गायब हो तो पता चल जाए कि हाँ भाई कुछ लफड़ाओ सब मिलके कर लो। लेकिन ऐसी जगह पे तो मैं अपनी कार पकड़ो देखो चाबी की तरह और निकल लो भाई, घुसता है ना इसमें क्या खुलता है, कहते गेट नहीं खुल रहा, तो जाना किधर है फिर? वो ये है रास्ता लग रहा है मुझे, पिछवाड़े की साइड रास्ता है। हाँ अगर ये ना ना, ये तो बहुत धीरे भाग रहा है, ऐसे कैसे? ओके तो मैं यहाँ से आया हूँ, गाड़ी यहीं पर है भाई, ध्यान रखनी पड़ती इन चीज इन चीज़ों का। फिर बाद में क्या होता है, अबे गाड़ी कहाँ थी और रास्ता किधर, ये सब लफड़ा जाता है फिर। ओ इधर दो रास्ते आ रहे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है तो मुझे अगर इधर जाऊँगा तो मुझे लेफ्ट मारना है, ठीक है ये क्या है? भागो, मुझे भागना होगा और घर के अंदर छुपना होगा। अबे ये गेम तो सीधा उस पे आ गई है एक्शन पे, कोई लेने देना नहीं, पीछे आ रहा है वो, पीछे आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं देखूंगा नहीं, मैं मरना नहीं चाहता भाई, रियलिटी में देखता कोई नहीं ना, मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा था ऐसे पत्थर उठा ले, छुप जा यही छुप जा। कहाँ गया? मेरी सारी चीज़ें कहाँ चली गई? मेरा फ़ोन किधर है? ओ फ़ोन किसे करेगा, ये क्या लिखा हुआ है? तुमने मुझे कभी डॉक्टर का नोट नहीं भेजा डोनाल्ड, लेकिन मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देख के मज़ा आया डोनाल्ड। तो कहाँ गायब हो गया ये? अब मैं क्या करूँ? मुझे कार की ढूंढनी पड़ेगी, उसे भागना पड़ेगा। देखा ओ जहां मैं गया था उसके पास ही है कहीं चाबी, अबे इतनी दूर चाबी कौन रखता है गाड़ी की? मैंने तो पहले कहा था भाई भाग ले, ये बचाने का काम हमारा नहीं है भाई, पुलिस को बुलाओ सीधा, अपनी जान प्यारी है। और ये तो अबैंडन हाउस है, यहीं था वो कमबख्त, गेट तोड़ गया, वो इस साइड है वो, यहाँ से भाग के लेफ्ट में जाना। अबे ये रहा वो जिसने उसने ओ ये हमारा दोस्त है, उसकी उसने हत्या कर दी भाई। तो भाई ये खेल भैया, ये मजे ले रहा है सबसे, ये छोड़ेगा नहीं मुझे। ओ शिट, ओ वो रिकी भागो, यहां से लेफ्ट लेफ्ट दिख रहा है मुझे, ऐसे दिख रहा था, कुछ दिख रहा है, मैंने ऐसे ही तरह याद किया, रास्ता इतना बड़ा नहीं है, जल्दी 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 भाई भाग भाई भाग। अरे यार मुझे क्या करेगा मार के, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने कहा पत्थर उठा ले, देख यहाँ ही पड़ा हुआ पत्थर, जल्दी 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 जल्दी। ये हॉकी मास्क, ये हॉकी प्लेयर यहाँ आ कैसे गया कैंपिंग करने के लिए? अभी तो लिया नहीं टीम में, क्या हुआ मैं बचा या पटपट गया? अब मैं बचा या मैं पिट गया, ये कोई कोई जान नहीं पाएगा। यहाँ आ गया रात को हॉकी खेलने के लिए मेरे साथ है बिना हॉकी स्टिक के। तो गाइस ये थी हॉकी मास्क नाइटमेयर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए गेमर्स को, अगर आपने अब तक नहीं किया तो थम्स अप द वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, लेकिन मैं अगली बार हॉकी नहीं खेलूंगा। तो गाइस सब्सक्राइब टू गेमर्स, बाय गाइस।